हमारा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, ठीक है जी। मेन मेन पॉइंट बस मैं रब कर रहा हूँ जी। इसका एक तो सिंबल याद करना है जी, सिंबल यहां दिया नहीं हुआ बुक में। पीएन जंक्शन डायोड ही सिंपल ही होता है वैसे तो, सिलिकॉन ही ज्यादातर यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं कि सिलिकॉन। और एक ये टेबल, ये ग्राफ आपको आना चाहिए, इसका बिल्कुल अलग ग्राफ है, ठीक है जी। उसके बाद एक एनर्जी गैप, जैसे इन्होंने बताया आइडियल ये होता है 1 to 1.8 में भी चल जाता है, 1 से लेके 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में जिनका होगा वो भी काम हमारा चल जाता है। बैंड गैप 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में काम हो जाता है। सिलिकॉन भी यूज करते हैं, सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक है CdTe, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, इसका 1.45 होता है, नियरेस्ट होता है आइडियल के। ये आइडियल बताया था ना जी। और है गैलेनियम आर्सेनाइड, गैलेनियम आर्सेनाइड 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी सारा इन्होंने बढ़िया बताया, बस इसमें तीन प्रोसेस होते हैं वो बता दिए। जनरेशन, हाँ बताया मेरे को जी। सीधा एक्सप्लेन कर दिया था और नाम नहीं बताया था। अच्छा, जैसे ये हमारा ऊपर तो होती है विंडो, विंडो के बाद एम, और ये पी, नीचे भी मेटल कांटेक्ट होता है, ऊपर भी मेटल के कांटेक्ट होते हैं, ठीक है जी। यहां से लाइट विंडो से जब एन पे गिरती है, डिप्लीशन रीजन में गिरती है, डिप्लीशन रीजन में इमोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। क्या होते हैं जी? इमोबाइल चार्ज कैरियर। तो वहां से वो मोबाइल हो जाते हैं। पहला प्रोसेस है, जैसे ही एच न्यू ग्रेटर देन ई जी आएगी तो क्या होगा, जनरेशन होगा। क्या होगा जी? जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, फिर सेपरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन एन की साइड चला जाएगा, होल्स पी की साइड चले जाएंगे। फिर थर्ड क्या होगा जी? कलेक्शन होगा। वो जो ये मेटल फिंजर लगे हुए हैं वो उनको क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। बाकी इन्होंने बताया था रेजिस्टेंस अगर बाहर लगा होगा तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज आ जाएगा उसको, ठीक है जी। बाकी यूजेस और इसकी एडवांटेजेस पढ़िए अच्छी तरह से। ये ज्यादातर जेई और नीट में आया हुआ, क्योंकि तो टॉपिक ही जेई नीट का है, तो ग्राफ पे ही ज्यादातर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। हाँ जी, अगला कौन आ रहा है?